गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? और आज देवांश का स्कूल में डांडिया उत्सव है और वो तैयार होके जा रहा है बढ़िया कुर्ता पजामा पहनकर। हाँ, देखो भैया आज ये डांडिया उत्सव में जा रहे हैं इसके स्कूल में, है ना भैया? आज है अष्टमी और आज कन्या पूजन भी होगा और कल नौमी है और कल भी होगी कन्या पूजन, है ना भैया? कैसे करोगे वहाँ पर डांडिया बताओ, कैसे करोगे? आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के आलू की सब्जी, और कुछ लोग बेसन के गट्टे की सब्जी बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ बेसन के आलू बोलते हैं, उसी की सब्जी बना रहे हैं। ये पानी उबल रहा है और बेसन छान लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा मोयन डालेंगे, इसको गूंथ लेंगे, उसकी फिर लोई बनाएंगे, फिर इसमें डालेंगे पानी में, तो वो जो बॉयल होंगे उसके बाद सॉफ्ट बनेंगे, जो उसमें मोयन डालने और नमक डालने से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर जब वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगे पक जाएंगे फिर उनको काट के फिर बनाएंगे। ये देखिए हमने गोल गोल बना लिए, इसमें डाल दिए पानी में, अब ये थोड़ा सा पानी जब खौलेगा तो पकेंगे अंदर से, धीमी आंच पर पकाएंगे तो अच्छे से पक जाएंगे, फिर इसको ठंडा करके काटेंगे। ये बना रहे हैं हम सेम की सब्जी और एक साइड वो बॉयल हो रहे हैं और एक साइड सेम की सब्जी बना रहे हैं, थोड़ी सी हमारी सास के लिए बननी है, वो बेसन के आलू नहीं खाती है। ये हमारे बॉयल हो गए हैं, बहुत अच्छे से बॉयल हुए हैं, इनको निकाल ले। क्यों, क्या हो गया? अच्छा अभी सही कर देंगे, इसकी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी चलती रही है और बस इसके नाटक चालू हो जाते हैं। ये देखिए गोल गोल हो गए तो ये फूल मतलब उबल गए बहुत अच्छे से, ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर इनको ऐसे काट लेंगे, जैसे आलू काटते लंबे लंबे, चौकोर भी काटते आलू लंबे भी काटते, या तो चौकोर काट लीजिए इनको या लंबे काट लीजिए, जैसे काटना हो। ये प्याज काट लिए, तेल गरम हो गया है, ये देखिए ऐसे काट लिए, ये मसाला भी भुज गया है मेरा, इसका यही पानी इसी में डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे। बट गया सब, अच्छी लगी खिचड़ी? एक लड़का है तो हाँ। वो हमने कही प्रसाद। 12:30 हो गए हैं और अभी तो बेसन के आलू छान दिए हैं, अब थोड़ी देर बाद रोटी बनाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर मेला जाएंगे, फिर अभी जाएंगे, दीदी आ जाएगी जब जाएंगे, कल कन्या करनी है नौमी के दिन तो उनके लिए कुछ बांटने के लिए लाएंगे मेला से, यहीं पर पास ही में शीतला माता का मंदिर है, हम लोगों के घर के पास ही कुल देवी है तो वहाँ पे हर साल मेला लगता है 9 दिन,
पूरे 10 दिन तक लगेगा। और थक जाते और सब सामान मिलता है मेले में, बच्चों को लेके कपड़े मिलते हैं और आपका घरेलू गृहस्थी का पूरा सामान मिलेगा मेले, और मतलब ज्वेलरी मिलती है, मतलब सब लाएंगे। कल कन्या करेंगे, 9 कन्या होते हैं, उसमें लंगूर भी आएंगे साथ, क्यों भैया है ना। कल इन लोग की छुट्टी है, दशहरा की भी छुट्टी है, और दशहरे के दिन सब पान खाते हैं, पान खिलाएंगे। अब आप फोन से तो निकल कर आ नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही दूर से खिला देंगे आपको पान हम लोग। क्या बना रहे हो ये? स्नेक है मेरा पहले। ओए स्नेक है, क्या कट गया ये? अबे कट रहा है, कट रहा है। ऐसे बनता है, बच गया भी हो, कट गया जाता है। अब क्या बनाओगे? अब कुछ नहीं बनाएंगे। अब कुछ नहीं बनाओगे? बनाएंगे। हम लोग गए थे कल मेला, हाँ। और आज भी गए थे मेला, हाँ। क्या लाए मेले से? किले लाए, है ना? हाँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? आप भी बोलो सब्सक्राइब। नहीं सही बोलो, गलत बात, ऐसे नहीं बोलते। बोल नहीं, गलत बात है। कल मिलेंगे।